हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोइज और आप सब देख रहे हैं डिलीशियस मोइज किचन। तो हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ने हमसे फरमाइश की है कि हम मटन बिरयानी 1 kg की क्वांटिटी में बनाकर बताएं। तो मटन बिरयानी जो कि मेरी एक बहुत ही वायरल वीडियो है और 1 मिलियन से ज्यादा व्यूअर्स ने उसे पसंद किया है, तो उसी को हम आज बनाएंगे। आइए देखते हैं उसके लिए क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स रिक्वायर्ड है। उससे पहले मैं आपको कुछ रूल्स बता दूं मटन बिरयानी बनाने के, तो इसको आप फॉलो करेंगे तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। मटन बिरयानी का मैरिनेशन को आपको एटलीस्ट 2 आवर्स के लिए रखना है। 2 मैरिनेशन होंगे, एक मैरिनेशन पहले होगा, उसके बाद हम आधा घंटा रखेंगे, फिर उसके बाद में हम दूसरा मैरिनेशन जो है सो करने के बाद में 2 घंटे के लिए उसे छोड़ देंगे। दूसरी चीज उसके बाद जो आपको नोट डाउन करनी है वो ये है कि चावल जो रहेगा बासमती राइस वो बहुत ही पुराना होना चाहिए। ब्रांडेड बासमती राइस मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। जस्ट यू वॉक इन टू सुपरमार्केट और वहां पर जो है सो कंटेनर्स में आपको बहुत सारे बासमती राइस मिलेंगे, उसमें जो है सो डार्क कलर में जो भी रहेगा बासमती राइस वो आप पिक कर लें, वही जो है सो सबसे बेहतर रहेगा राइस। और तीसरी चीज मैं आपको जो बताऊंगा, ये चावल को आपको 3 बार धोकर खुले पानी में एटलीस्ट 1.5 आवर्स के लिए जो है सो इसे आपको भिगाकर रखना है। और हम बिरयानी में जो है सो बिल्कुल भी गरम मसाले पीसे हुए इस्तेमाल नहीं करेंगे और हरी मिर्ची हम साबित इस्तेमाल इसमें नहीं करेंगे, हमें इसमें पेस्ट इस्तेमाल करना है। पपीता भी हम बहुत ही 1 टीस्पून के करीब बस इस्तेमाल करेंगे। इसमें जाफरान और देसी घी का हम बहुत इस्तेमाल करेंगे। और ये भी मेक श्योर करिए आपके जिंजर गार्लिक पेस्ट जो आप यूज कर रहे हैं वो जो है सो बहुत ही फ्रेश हो। फ्रेश यूज करेंगे आप तो बहुत ही अच्छा इसका आपको रिजल्ट आएगा। और टेस्टिंग पाउडर जो है जिसके बारे में बहुत सारे लोग ने क्वेश्चन रेज किया है, ये इट इज नथिंग बट एन अजीनोमोटो कॉल्ड एज MSG और अ चाइना सॉल्ट। इट इज ऑप्शनल, इफ यू वॉन्ट अ रेस्टोरेंट काइंड ऑफ टेस्ट इट इज कंपल्सरी टू बी यूज, बट इफ इन केस यू आर वेरी मच हेल्थ कॉन्शियस देन यू कैन अवॉइड इट। सो लेट्स सी व्हाट ऑल इंग्रेडिएंट्स इज रिक्वायर्ड टू मेक दिस बिरयानी। तो सबसे पहले हमने लिया है 1 kg ऑफ बासमती राइस, पुराना बासमती राइस लीजिएगा, इसको हमने 3 बार धोकर खुले पानी में भिगने के लिए रख दिया है और ये 1.5 घंटे तक भिगा हुआ रहेगा। ये हमने लिया है 1 kg to 1 kg 250 grams ऑफ मटन। इसके बोटियां जो है सो आप जरे मीडियम साइज से बड़े ही रखें क्योंकि बिरयानी में थोड़ा सा जो है सो हमें ज्यादा बड़ा गोश्त चाहिए होता है। और मटन को जो है सो बिल्कुल साफ धो लें, 2 बार धोकर जो है सो उसे पानी उसका पूरा निकाल लें। 1 bunch हमने लिया है कोतमीर जिसको हमने बहुत ही बारीक काट लिया है और 1 bunch हमने लिया है पुदीना उसको भी हमने बहुत ही बारीक काट लिया है। ये है हरी मिर्चें, 6 से 8 हरी मिर्चें जिसको आप नमक डालकर थोड़ा सा जो है सो बारीक ग्राइंड कर लें। ये है 1 टीस्पून के करीब कच्चा पपीता, उसका आपको सिर्फ छिलका लेना है तो आप छिलका जो है सो उसका ले लें और ग्रेट कर लें बहुत ही बारीक। ये एक छोटी मेथी हमने ली है, उसके लीव्स हमने लिए हैं, बस उसके लीव्स आपको लेकर जो सो धोकर रख लेने हैं। 2 हमने लिए हैं नींबू और 1 cup full ऑफ ऑयल जिसमें हमने ये प्याज फ्राई की थी वही ऑयल आप ले लें। और हमने लिया है 300 से 350 ग्राम प्याज, कच्ची प्याज जो थी उसको हमने बहुत ही बारीक काट कर गोल्डन फ्राई कर लिया है। गोल्डन बोले तो फिर वो गोल्डन ही होना है, काली नहीं होना है, अगर आप ज्यादा उसे काली करते हैं तो फिर बिरयानी की बोटियां आपके काले हो जाएंगे। तो आप इसे फ्राई करने के बाद में 1/2 घंटे के बाद ठंडे होने के बाद फौरन उसे चूर लें। अगर आप ज्यादा टाइम के लिए उसे वैसे ही रखेंगे तो फिर वो बाद में स्मैश नहीं होगी, चूरे नहीं जाएगी। ये है खोआ जो है सो हमने 1/2 cup लिया है, उसमें हमने थोड़ा वार्म मिल्क ऐड कर दिया है और इसे हम जो है सो बाद में इस्तेमाल करेंगे। गरम मसालों में हमने लिया है 2 टीस्पून के करीब इलायची का पाउडर, 4 से 5 खड़े लौंग हमने लिए हैं और 1.5 टीस्पून हमने लिया है शाजीरा, या फिर आप जो है सो 2 टीस्पून के करीब शाजीरा ले सकते हैं। 1 टीस्पून हमने टेस्टिंग पाउडर लिया है अजीनोमोटो या फिर जिसे MSG कहा जाता है या फिर चाइना सॉल्ट, वो हमने लिया है, ऑप्शनल है, अगर आप स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं लेकिन रेस्टोरेंट स्टाइल ऑफ टेस्ट ये यूज करने के बाद ही आपको मिलेगा। जाफरान हमने लिया है, जाफरान जो है सो हम लेंगे 15 से 20 स्ट्रैंड्स यहाँ पर हमने रख लिया है जाफरान को। और ये 1/2 inch के दालचीनी के चकले हमने लिए हैं, 10 से 12 आपको दालचीनी के चकले लेने हैं। ये एक बड़ी प्याज की डली थी जिसको हमने जो है सो बिल्कुल अंडे की प्याज जैसा होती है बारीक हमने इसे चॉप कर लिया है। 1 cup हमने लिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट, इतना ज्यादा हम इसमें यूज नहीं करेंगे, 2 टेबलस्पून बहुत हो जाएगा हमारे लिए। 1/2 cup हमने लिया है
देसी घी, और 1 कप हमने लिया है रेड चिली पाउडर, जिसमें से सिर्फ 1.5 से 2 टेबल स्पून हम जो है सो रेड चिली पाउडर यूज करेंगे। ये हमने 1/2 कप जो है सो मोटा नमक लिया है, और 300 ग्राम्स के करीब हमने लिया है दही, मीठा दही लीजिएगा, और वार्म मिल्क हमने लिया है 1 कप, जिसमें जो है सो हमने जाफरान को भिगा कर रख दिया है। और अदहन के लिए हमने लिया है शाजीरा 1/4 टीस्पून, और 4 से 5 लौंग हमने लिए हैं, इलायची 4 से 5 हमने लिए हैं, और 6 से 7 हमने दालचीनी के चकले लिए हैं। तो चलिए अब हम मैरिनेशन इसका बनाना शुरू करते हैं। तो ये हमने बड़ा सा पतीला ले लिया है, देखिए आप बड़ा भगोना लेंगे, ज़्यादा बड़ा भी नहीं, जिसमें 1.5 से 2 केजी बन जाता हो वैसा भगोना आपको लेना है। हमने उसमें मटन ट्रांसफ़र कर दिया है, मटन को आप अच्छे से स्प्रेड कर लें इस तरीके से। हड्डियों का साथ का मटन चाहिए आपको, अगर आप बगैर हड्डी का बनाएंगे तो उतना टेस्ट नहीं आएगा। तो सबसे पहले मैं डाल रहा हूँ इसमें 2 टेबल स्पून के करीब फ्रेश जिंजर गार्लिक पेस्ट, और इसके बाद मैं जो है सो जो हमने प्याज ली थी स्मैश करके हमने जो रखी है प्याज को, वो हम इसमें पूरी ऐड कर देंगे। ये हमारा फर्स्ट मैरिनेशन है। चलिए तो ये ऐड करने के बाद आप इसमें कोतमीर और पुदीना जो हमने लिया था वो भी इसमें आप पूरा ऐड कर दें, थोड़ा सा बचा लें, थोड़ी सी हम चटनी बनाएंगे लास्ट में डालने के लिए। तो कोतमीर पुदीना हमने डाल दिया है, डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे रेड चिल्ली पाउडर तकरीबन 2 टेबल स्पून, ज़्यादा नहीं, बस 2 टेबल स्पून बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून के करीब मोटा नमक, और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे, हमने जो लौंग लिए थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे, शाजीरा हम इसमें ऐड करेंगे, इलायची का पाउडर हम इसमें पूरा ऐड कर देंगे जो हमने इलायची का पाउडर लिया था वो, और हम इसमें डालेंगे दालचीनी के चकले। उसी के साथ हम इसमें जो हमने बारीक प्याज काटी थी चॉप की थी वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। माशाल्लाह से ये इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद आपको इतनी शानदार स्मेल आएगी यवनी की। तो चलिए ये सब डालने के बाद आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें, अच्छे शानदार तरीके से आप इसे मिक्स कर लें। ये हमारा फर्स्ट मैरिनेशन है। इसमें आप कोई भी गरम मसाला पाउडर बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। और दूसरी चीज, बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे हैं कि बिरयानी का एसेंस क्या हम इसमें डालेंगे, चावल की जो खुशबू का एसेंस होता है वो हम इसमें डालेंगे, नहीं बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है। आप अगर ये स्टेप फॉलो कर बनाएंगे तो बगैर कोई एसेंस यूज किए के इसमें शानदार सी स्मेल आ जाएगी। तो चलिए ये हो चुका है, अब हम इसे जो है सो वन आवर के लिए बाजुक रख देंगे, इसे 1 to 1.5 आवर। उसके बाद हम इसमें दही वगैरह, लास्ट हमारा जो मैरिनेशन रहेगा वो हम इसमें ऐड करेंगे। पपीता भी इसमें ऐड करना है जो हम भूल गए थे, तो पपीता आप इसमें 1 टीस्पून जो हमने काट कर रखा है वो इसमें ऐड कर दीजिए। इसे अच्छे से मिक्स करिए, बस मिक्स करके आप इसे 1 घंटे के लिए आराम से छोड़ दीजिए, जिसके बाद हम जो है इसमें सेकेंड मैरिनेशन हमारा डालेंगे। उसी के साथ 1/2 आवर के बाद हम बाजू अदहन का पानी चढ़ा देंगे। तो चलिए देखते हैं इसे 1 घंटे के बाद। तो हमने ये मैरिनेशन को 1 घंटे से ज़्यादा 1.5 घंटे तक रख दिया है। कभी भी आप मैरिनेशन को जब रखें तो थोड़ी सी स्पेस ऐसी रखें, वरना जो है सो अगर आप फुल कवर करेंगे इसे तो बो होने की थोड़ी चांसेस है। तो चलिए ये मैरिनेशन हमारा रेडी हो चुका है, फर्स्ट मैरिनेशन। और इसकी निशानी क्या है कि मैरिनेशन अच्छा सा हो चुका है, ये फर्स्ट मैरिनेशन, इसका निशानी हमें जो देखनी है वो ये है कि इसके गोश्त से जो है सो पानी रिलीज होगा। तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा पानी जो है सो इधर रिलीज हो रहा है लाइक दिस। तो इस तरीके से जो है सो आप मैरिनेशन पहला जब हो जाए तो अब हम इसमें जो है सो सेकेंड मैरिनेशन लगाएंगे जो कि है दही वगैरह। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा 300 ग्राम्स ऑफ कर्ड, फुल फैट कर्ड आपको लेना है, योगर्ट। फिर उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ये ग्रीन चिल्ली पेस्ट जिसको हमने नमक डालकर पीसा था, वो पेस्ट भी आप इसमें ऐड कर दीजिए। इसके बाद आप इसमें स्क्वीज करिएगा
लेमन्स, दो नींबू हमने लिए थे, वो नींबूओं को आप इसमें स्क्वीज कर दीजिए। तो इस तरीके से हम नींबूओं को भी इसमें स्क्वीज कर देंगे। तो नींबूओं को स्क्वीज करने के बाद आप यखनी को इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लें। ये हमारा सेकेंड मैरिनेशन और फाइनल मैरिनेशन है, तो इस तरीके से आपको इसे मिक्स करना है। अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे, जो हमने 1 कप ऑयल लिया था, यानी 250 ग्राम्स के करीब हमने जो लिया था, उसमें से आप आधा ऑयल इसमें ऐड कर दीजिएगा बस। और उसी के साथ हम इसमें देसी घी, जो 1/2 कप हमने लिया था, उसमें से सिर्फ आधा कप जो है हम इसमें, आधा मतलब आधा जो क्वांटिटी थी उसकी आधी बस इसमें ऐड करेंगे बस। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही डालने के बाद में अच्छे से मिक्स करिए, दही फटने के चांसेस होते हैं अगर आप अच्छे से मिक्स नहीं करते हैं तो। चलिए अब ये मैरिनेशन को हम साइड में रख देंगे, 1/2 कवर करके, ढक्कन आप इसका पूरा मत लगाइएगा, इसे आप साइड में रखिएगा फॉर एनदर 30 to 45 मिनट्स। इसी में जो है सो मैं अब इसमें ऐड कर दूंगा टेस्टिंग पाउडर या फिर चाइना सॉल्ट, अजीनोमोटो या फिर MSG जिसे हम कहते हैं, वो हम इसमें ऐड कर देंगे बस। अब इसे ऐड करके आप जो है सो 1/2 एन आवर के लिए रख दीजिए बाजू। जितना आप यग्नि को लगाकर रखेंगे उतना ही जो है सो बेहतरीन उसका रिजल्ट आएगा। तो मैं इसे बस आधा कवर करके साइड में रख देता हूँ और हम जो है सो इसका अदहन तैयार करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये मैरिनेशन को हमने 15 मिनट से रखा हुआ है और अभी इसको आधा घंटा बाकी है। इसी टाइम पर जो है सो हम ये खुला पतीला एक ले लेंगे, जिसमें जो है सो पानी हमने पौन भगोना पानी डाला है, और इसे जो है सो अब हम फ्लेम इसकी ऑन कर देते हैं। हमें बिल्कुल खौलता हुआ पानी चाहिए। जब तक पानी खौलता नहीं है तब तक जो है सो हम इसमें गरम मसाला या फिर नमक ऐड नहीं करेंगे, वरना वो चावल के लिए अच्छा नहीं है, चावल टूटने के करने के चांसेस है। तो इसीलिए जो है सो आप इसे खोलने का इसका इंतजार करें, और हाई फ्लेम पर हमने इसे रख दिया है पानी को उबलने के लिए। तो चलिए मिलते हैं 1/2 एन आवर के बाद। इसे हमें फाइनल टचअप देना है यखनी को, वो हम जब ये पानी खोलेगा तो जब इसे देंगे। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो ये देखिए हमारे 45 मिनट्स हो चुके हैं ये मैरिनेशन लगाकर सेकेंड वाला, और साथ ही साथ हमारा पानी भी जो है सो यहाँ पर बहुत तेजी से बॉईल हो रहा है। तो इस टाइम पर हम इसमें डालेंगे शाजीरा, दालचीनी, इलायची और लौंग जो हमने लिया था, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून के करीब मोटा नमक। तो पानी को जितना लगेगा, पानी के हिसाब से आप उतना जो है सो मोटा नमक इसमें ऐड कर लें, चावल नहीं तो फीके रह जाएंगे, तो फिर टेस्ट जो है सो बिरयानी का बराबर आपको नहीं आएगा। तो ये ऐड करने के बाद हमें इसे फाइनल टचअप देना है यखनी को। तो इसी पानी में से हम 1 कप के करीब गर्म पानी ले लेंगे, जो बॉयल हो रहा है वो हम इसमें जो है सो ऐड करेंगे यखनी में, 1 कप जितना बस। इसे ऐड करने के बाद आप इसे अच्छे से मिक्स करिए। ये ऐड करने की वजह ये है कि आप जब पानी ऐड करते हैं तो कंसिस्टेंसी इसकी लूज हो जाती है थोड़ी सी, तो जब ये लूज हो जाती है तो दाग लगने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब ये पानी ऐड करने के बाद आप इसमें टेस्ट कर लें नमक मिर्ची वगैरह सब बराबर है या नहीं। मेरे हिसाब से सब चीज परफेक्ट है इसमें। तो ये हमारी यखनी जो है सो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसे अब हम सेट कर लेते हैं इस तरीके से, इसे सेट करिए, और आप इसके साइड जो है सो बिल्कुल अच्छे तरीके से पोंछ लें बस। इस तरीके से आप पोंछने के बाद में आपको इसमें ऐड करना है जो हमने खोआ लिया था, वो खोआ हम इसमें इस तरीके से ऐड कर देंगे। इसके ऊपर पूरा आप इक्वली स्प्रेड कर दें इस खोवे को बस। इस तरीके से आप इसमें
अच्छे से इससे स्प्रेड कर दें खोए को। इसके बाद आप इसमें जो हमने छोटी मेथी ली थी वो हम इसमें इस तरीके से इस पे ऐड कर देंगे। छोटी मेथी फ्रेश लीजिएगा तो इस तरीके से सिर्फ उसके पत्ते आपको ऐड करने, पत्ते जो होते हैं बस उसे आप इस पे ऐड कर दें। ये डालने के बाद आपको इस पे डालना है ज़ाफ़रान के स्ट्रैंड्स जो हमने लिए थे वो भी आप इस पे इस तरीके से स्प्रिंकल कर दें पूरे। तो ज़ाफ़रान के स्ट्रैंड्स भी हम इस पे इस तरीके से स्प्रिंकल कर देंगे। तो हमारी अब जो ये यखनी है बिल्कुल रेडी है दम होने के लिए। बहुत सारे व्यूअर्स हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप जो कच्चा गोश्त बिल्कुल दम देते हैं तो क्या वो गोश्त गलता है या नहीं। जी बिल्कुल, जो है सो 45 मिनट तक आप अगर इसे जिस तरीके से प्रोसीजर में बताऊंगा उस तरीके से अगर आप इसे दम देंगे तो बिल्कुल चांस नहीं है कि गोश्त जो है सो बिल्कुल भी कच्चा रहे। तो चलिए अब चावल हम इसमें डालकर चावल छानना शुरू करते हैं इसके ऊपर। तो अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे, पूरा चावल का पानी स्ट्रेन करिएगा, थोड़ा भी मत रखिएगा बाकी। और डेढ़ घंटे से चावल भीगा हुआ है वो याद रखिएगा। मैं अब आपको बताऊंगा चावल निथारना कैसा है। हमें तीन स्टेप्स में हम इसे निथारेंगे। पहली जो सब में नीचे वाली लेयर रहेगी वो जो है सो सिर्फ 20% पका हुआ होगा और 80% कच्चा रहेगा चावल। फ्लेम को बिल्कुल भी आपको स्लो नहीं करना है, हाई फ्लेम पे ही इसे चावल को आपको पकाना है। तो आप जैसे ही चावल डालें इसे अच्छे से एक बार मिक्स करें, बस ज़्यादा नहीं क्योंकि चावल बहुत देर से भीगे हुए हैं तो टूटने के चांसेस होते हैं। तो आप हाई फ्लेम पे ही इसे पकाएंगे। तो सब में पहला जो चावल होगा वो 80% कच्चा होगा और 20% पका हुआ होगा। सेकेंड लेयर जो होगी वो जो है सो 60% कुक्ड राइस होगा आपका, और जो थर्ड लेयर होगी वो 80% कुक्ड राइस होगा आपका। तो मैं आपको अब बताऊंगा, आप बहुत ही केयरफुली इसे देखिएगा किस तरीके से हम इसे निकाल रहे हैं। तो ये देखिए आप, इसमें बॉईल आ चुका है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये चावल 20% पक चुका है या नहीं। तो ये देखिए आप, जब चावल को इस तरीके से करेंगे तो 3 से 4 आपके पीसेस हो जाएंगे। देखिए आप, मैं इस तरीके से जब कराऊँ तो ये 80% कच्चा है और 20% पक चुका है। तो इसी टाइम पे जो है सो हम इसे निकाल लेंगे। देखिए आप, पानी बिल्कुल भी मत रखिएगा, इस तरीके से निकाल कर आपको इसे इसके ऊपर स्प्रेड करना है। ये हमारी फर्स्ट लेयर है बिल्कुल। तो फर्स्ट लेयर में हम ज़्यादा राइस डालेंगे क्योंकि ये मटन को लगी हुई होती है तो इसमें पानी का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए हम जो है सो इसमें इसे बहुत कच्चा रखते हैं। चलिए ये डालने के बाद आप इसे इक्वली स्प्रेड कर दें इस तरीके से, बहुत ही लाइट हैंड से, चावल नहीं टूटने चाहिए। तो इस तरीके से आप इसे बिल्कुल अच्छे से तरीके से इसे स्प्रेड कर दें। हमारी ये फर्स्ट लेयर हो चुकी है। अब हम सेकेंड लेयर की तरफ बढ़ते हैं। तो अब आप देखिए कि ये चावल जो है सो कितने पके हैं, बहुत ही एक एक मिनट के वक्फे से जो है सो चावल रेडी हो जाते हैं पक्के। तो अभी देखिए, अभी थोड़ा ये पकना बाकी है, अभी ये जो है सो चावल पूरा नहीं पका है, यानी 60% पका हुआ नहीं है ये अभी। तो हम 60% होने तक वेट करते हैं, उसकी भी मैं आपको निशानी बताऊंगा कि हम कैसे मालूम करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये सेकेंड लेयर अब हम निकालने जा रहे हैं। आप फर्स्ट लेयर के जो चावल देखेंगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट थे, आप देख रहे हैं ये मुड़े नहीं थे, लेकिन अब ये जो सेकेंड लेयर के चावल होंगे ये इस तरीके से थोड़े से मुड़ जाएंगे और 60% पक चुके हैं। देखिए आप, ऐसा जब दबाएंगे इसे तो ये इस तरीके से वो हो जाएंगे, ये मतलब स्ट्रेच हो जाएंगे चावल। तो इस टाइम पे जो है सो हम इसे निकाल लेंगे। 60% हमारे चावल पक चुके हैं सेकेंड लेयर को जो हमें चाहिए। तो अब मैं सेकेंड लेयर इस पर इस तरीके से डाल दूंगा। तो ये देखिए हमारी सेकेंड लेयर भी अब जा चुकी है। फर्स्ट आखिरी की जो लेयर होगी हमारी, थर्ड लेयर जो आएगी सब में ऊपर, उसमें जो है सो हम 80% पका देंगे चावल को। तो ये देखिए हमारा सेकेंड लेयर भी जा चुकी है, इसे भी आप इक्वली स्प्रेड कर लें इस तरीके से। बस अब हम इसके बाद थर्ड लेयर की तरफ बढ़ते हैं। इसे भी जो है सो आप पकाएं, जरा स्लो मत करें, चूल्हे को मीडियम रखें और पकने दे चावल। तो ये देखिए चावल जो है सो इस तरीके से अपना, अब आप जब तोड़ रहे हैं तो 1 से 2 बार जो है सो वो होगा, बस 1 से 2 पीसेस बनेंगे और लंबा हो चुका है, थोड़ा सा ट्विस्ट भी हो गया है। ये जो है उसको निशानी है कि 80% राइस हमारा पक चुका है। इस तरीके इस वक्त पे हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे हमें हटाऊंगा और ये स्ट्रेनर रखूंगा इधर।
रखकर हम इसमें पूरा सा जो है सो पानी फिल्टर आउट कर लेंगे। तो लेट मी पुट ऑल दिस वाटर इन इट। ये पानी की हमें थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी पिंच की, तो आप इसे फेंकना नहीं चाहिए पूरा पानी आपको। चलिए चलिए, आ चुका है पूरा हमारा चावल। इसमें चावल जो भी बचा हुआ है पैन में लगाओ, आप इसमें डाल दें। तो ये जो लास्ट लेयर थी हमारी, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। मेरे पास मैक्सिमम यही यूटेंसिल था, तो मैं यही यूज़ किया, यही साइज का। आप जो है सो थोड़ा बड़ा अगर यूज़ करना चाहें तो बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए आप, मैंने पूरा जो है सो थर्ड लेयर वाला राइस जो था वो इस पर डाल चुका हूँ। अब इसे भी आप इवनली अच्छे से स्प्रेड कर लें इस तरीके से। बस करने के बाद हमने टोटल जो ऑयल लिया था इसमें डालने के लिए, प्याज में जो तला हुआ था, वो 180 to 200 ग्राम्स था। लेकिन आप जब घी यूज कर रहे हैं तो 150 ग्राम्स ही आपको बस हो जाएगा। तो इसी ऑयल में जो है सो मैं डालूंगा ये पींच। तो इसे हम 1 कप के करीब करना है हमें इसमें पींच डालकर। बस ये डालने के बाद आप इसे जो है सो अच्छे से ऊपर से फैला कर डाल दें। पींच डालने के बाद इस तरीके से डाल दें। पींच ज़रा अच्छी सी डालिएगा, कम मत डालिए, या वरना फिर गोश्त को जो है सो दाग लगने के चांसेस है। तो इस तरीके से हम इस पर पींच डाल देंगे। बस वो डालने के बाद आपको इस पर डालना है जो हमने ज़ाफ़रान भिगा कर रखा था, वो आप इस पर डाल दें इस तरीके से दूध में। बस ये डालने के बाद अब हमारे पास जो चीज़ बच जाती है वो है असली घी। वो असली घी हम जो है उसको जब बिरयानी खोलेंगे तो तब हम उसमें जो है सो ये डालेंगे। तो चलिए अब मैं आपको इसे दम देने का तरीका बताता हूँ। सबसे पहले अब हम इसे कवर कर देंगे। बहुत सारे लोग जो है सो इस पे गरम मसाला और हरा मसाला काट कर डालते हैं, प्याज डालते हैं, वो बिल्कुल भी हमें इसमें डालना नहीं है। बस अब आप इसे कवर कर दें। तो ये देखिए हमने स्टोव को ऑन कर दिया है और हाई फ्लेम कर दी है। अब हम इस पे जो है सो हमारा ये यूटेंसिल रख देंगे। आप ख्याल ये रखें कि लेवल में हो आपका चूल्हा और भगोना। और इसके बाद जो है सो हम तवा वगैरह इसके नीचे रखकर इसे दम देंगे। जब तक इसमें अच्छी सी भाप नहीं आ जाती प्रेशर वाली, जब तक हम इसे हाई फ्लेम पर रखेंगे 15 मिनट्स तक तकरीबन, या फिर अगर उससे कम टाइम में भी जो है सो अगर आपके बिरयानी में भाप आ जा रही है तो आपको ज्यादा देर रखने की जरूरत नहीं है। 15 मिनट्स इज नॉट अ टारगेट, जस्ट एन यू नो एग्जाम्पल के 15 मिनट तक एक्सपेक्टेड है कि भाप आ जाए, तो उसके बाद हम तवे पे रखेंगे। तो इसे अब हम होने देते हैं 15 मिनट तक हाई फ्लेम पर। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये आप मेक श्योर करिए कि जब हम हाई फ्लेम पर बना रहे हैं तो इसके साइड्स पूरे कवर होना चाहिए, साइड्स तक आपकी फ्लेम रीच होना चाहिए, नहीं तो फिर साइड्स का गोश्त जो है सो बिल्कुल कच्चा रह जाएगा। आपकी फ्लेम जो बड़ा हुई जो फ्लेम होती है स्टव में, वो यूज करिएगा आप। तो इसी तरीके से जो है सो अब हम 5 से 6 मिनट हो चुके हैं हमें ऑलरेडी, लेकिन अभी तक जैसी भाप आना है वैसी नहीं आई है। तो चलिए वेट करते हैं भाप अच्छी आने तक। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कि जो है सो हम 10 मिनट हो चुके हैं इसे रखकर, और साइडों से प्रेशर से भाप आ रही है राइट नाउ। तो अगर जो है सो आपका यूटेंसिल टाइट नहीं है ज्यादा, तो आपको आटा लगाने की जरूरत पड़ती है, जो कि घर के नॉर्मली थाली वगैरह अगर नीचे ऊपर है उमूमन वो बर्तन में लगाना चाहिए। ये ग्लास जो है सो वजन है और बहुत ही टाइट है, इसीलिए मैंने इधर आटा नहीं लगाया। नहीं तो आप एक उंगली जितना मोटा आटे की जो है सो राउंडिंग बनाकर उसके ऊपर थाली लगाएं ताकि हवा ना निकले बाहर। तो अब आप देख रहे हैं कि जो है सो इसमें से बहुत प्रेशर से भाप निकल रही है। तो इस टाइम पर मैंने जो आपको तवा बताया था वो तवा जो है सो मैं रखूंगा। तो मैं इसे साइड में रखता हूँ जस्ट फॉर अ सेकेंड। और ये जो हमारे पास एक यूजलेस तवा है, बहुत ही थिन है, लोहे का यूज करें, सिल्वर का यूज ना करें। तो ये तवा मैं रख चुका हूँ, इसी के ऊपर जो है सो हम ये बिरयानी का यूटेंसिल रख देंगे। अभी इसे बढ़ा कर ही रखे 5 मिनट ताकि तवा जो है सो गर्म हो जाए और उसकी भाप भगोने तक पहुंचे। तो मैंने बढ़ा कर ही रखा है फ्लेम, जब तक जो है सो इसकी अच्छी भाप भगोने तक पहुंचती नहीं है 2 से 3 मिनट हम इसे रखेंगे। उसके बाद में हम जो है सो बिल्कुल स्लो फ्लेम पर जो है इसे दम होने रख देंगे 1/2 से 1.25 घंटे तक। तो फ्रेंड्स, हमने तवा रखने के बाद में भी इसे हाई फ्लेम पर ही रखा था ताकि जो टेम्परेचर है वो अच्छे से सेट हो जाए और भाप जो यूटेंसिल से निकल रही थी प्रेशर से वही सेम स्टेज पे हम पहुंच जाए। तो आप देख रहे हैं कि प्रेशर से यहाँ से
भाप निकल रही है, तो इस स्टेज पर मैं फ्लेम को जो है सो स्लो, बिल्कुल जो सिम होता है उससे थोड़ा बढ़कर, बस बहुत थोड़ा बढ़ के हम इसे रखेंगे फॉर अनदर हाफ एन आवर। तो मैं इसे जो है सो कर रहा हूँ स्लो से, थोड़ा बढ़ के बस बस। तो इस फ्लेम पर हम इसे रखेंगे फॉर हाफ एन आवर। हाफ एन आवर तक आप इसका ढक्कन नहीं उठाएंगे, इसे टच भी नहीं करेंगे। तो हाफ एन आवर तक इसे आप इसी तरीके से स्लो पे पकने दीजिए, ताकि गोश्त जो है सो हमारा अच्छे से टेंडर हो जाए। तो चलिए मिलते हैं हाफ एन आवर के बाद रबचिक बिरयानी के साथ। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हम इसे जो है सो स्लो फ्लेम पर रखकर, आधे से ज्यादा हो गया है टाइम, आधे घंटे से ज्यादा टाइम हो चुका है, तकरीबन 35 मिनट से 40 मिनट्स हो चुके हैं। तो अब हम इस फ्लेम को जो है सो ऑफ करते हैं, और इसे अभी आप खोलिएगा नहीं, और तवा भी हमारा गर्म है, तो इसी पे जो है सो हम इसे 10 मिनट ऐसे ही रेस्ट करने देते हैं, उसके बाद हम इसे जो है सो खोलकर सर्व करेंगे। तो ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं बिरयानी दम हो के, अब हम इसे खोलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह देख रहे हैं आप शानदार से, क्या जबरदस्त बनकर जो है सो हमारी बिरयानी तैयार हुई है। इस टाइम पे हम इसमें डालेंगे देसी घी, इस तरीके से आप इस पे पूरा स्प्रेड करें इक्वली शानदार तरीके से। इस तरीके से आपको पूरा घी जो है सो इस पे डाल देना है, जो हमने आधा बचाया था घी बस। तो चलिए अब आपको मैं इसका करिश्मा दिखाता हूँ कि चावल कैसे बने हैं हमारे। तो देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देख रहे हैं आप चावल कैसे शानदार बने हैं अपने, ये देखिए ये है हमारे चावल जो बने हैं बिल्कुल परफेक्ट। ये जब ही बनते हैं तब आप इसे 3 लेयर्स में निकालते हैं, तो तभी जो है सो हमारे चावल इस तरीके के बनते हैं। तो अब मैं इसमें से गोश्त निकालता हूँ नीचे से, ये देखिए फ्रेंड्स माशाल्लाह से कितना शानदार हमारा गोश्त बन के जो है सो रेडी हुआ है। बिल्कुल ये तेलंगाना के पोटले का गोश्त है, जो कि बहुत ही हाईएस्ट क्वालिटी है तेलंगाना में। तो मैं इसे अब सर्व करूंगा इसमें, इस तरीके से आप निकाल लें। तो इस तरीके से हम इसमें बिरयानी को सर्व करेंगे। तो मैं डाल रहा हूँ इस तरीके से बिरयानी के पीसेस इसमें। इस तरीके से आप इसमें डाल लें तमाम ही पीसेस को, गोश्त को अच्छे से सजाएं आप इस पे। तो इस तरीके से आप थोड़े से चावल जो ऊपर के पके हुए होते हैं वो इस पे से स्प्रेड कर दें, ज़ाफ़रान वगैरह डिस्प्ले होना चाहिए। तो इस तरीके से आप इसे अच्छे से सेट करें, और वाइट राइस भी थोड़ा बाजू से डाल दें इस तरीके से। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा वाइट चावल भी इस पे डाल दें, और थोड़ा मसाले वाला चावल भी डालें इस पे बस। तो इस तरीके से जो येलो वाला चावल है वो भी डालें, ताकि सब चीज़ें इसमें डिस्प्ले हो। तो चलिए मैं इसे अब कवर कर देता हूँ बिरयानी को, और इस पे हम एक कोतमीर का जो है सो एक छोटी सी डाली लगा देते हैं इसके ऊपर बस। तो ये लीजिए आपकी बिरयानी बनकर बिल्कुल रेडी है। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, देख रहे हैं आपके भाप निकलती हुई चीख मार चिंगारी हैदराबादी बिरयानी बनकर रेडी हो चुकी है। आइए मैं इसका मटन आपको बताता हूँ कि कैसा टेंडर हुआ है। बिल्कुल ये देखिए, ये मटन है, और आप देख रहे हैं कि कितना पिंक टाइप ऑफ मटन बना है, और बिल्कुल गोश्त गल के मस्का हो चुका है। तो वो सब व्यूअर्स जो पूछ रहे हैं कि क्या गोश्त गलता है अगर आप इसे कच्चा पकाते हैं, तो बिल्कुल गलता है। तो लाइक आइए टेस्ट भी कर लेते हैं, जब बोटी तोड़ ही लिए हैं तो। एज यूजल इट्स वर्थ यू नो गोइंग बियॉन्ड मिलियंस एंड मिलियंस। तो मेरे हिसाब से खाने वाले और बनाने वाले दोनों भी चीखा मारेंगे। सो थैंक यू एंड बाय बाय अंटिल नेक्स्ट वीडियो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर एंड मोर डिलीशियस एग्जैक्टली हैदराबादी रेसिपीज। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते हैं तो आई विल गिव द लिंक हियर, यू कैन जस्ट यू नो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर इंस्टेंट अपडेट्स। थैंक यू एंड बाय बाय।